नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इसको कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। एक तरफ लोग कोरोना महामारी के कारण नुकसान झेल रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अवसर मनाते हैं। पुलिस ने कोरोना महामारी की 5000 रुपए में फर्जी रिपोर्ट पॉजिटिव बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दोनों सदस्यों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में रमनदीप सिंह निवासी कोटकपुरा ने बताया है कि उसने कैदी बनकर फरीदकोट निवासी अविनाश चावला को फोन किया कि वह कैदी है, उसे जेल से छुट्टी बढ़वाने के लिए उसे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए। उसने कहा कि चावला ने पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए 8000 रुपए की डिमांड की। सौदा 5000 रुपए में तय हो गया। उन्होंने आरोपित को पैसे दे दिए। आरोपित उसे शाम 5:15 बजे रिपोर्ट लेने को कहा। इस पर उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने अविनाश और सुखजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। SI सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ कर पता किया जाएगा कि उन्होंने अब तक किस किस को फर्जी कोरोना रिपोर्ट दी है। इससे पहले आपदा में अवसर तलाशने का मामला अमृतसर में भी सामने आया था। अमृतसर के EMC अस्पताल व तुली प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के नाम पर खुला खेल चल रहा था। यहां फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार कर लोगों को इलाज के नाम पर जमकर लूटा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।